दोस्तों यार रणबीर कपूर की तो लगभग सारी फिल्में यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल करती दिखती है। हालांकि यार रणबीर कपूर की फिल्में इन दिनों ज़्यादा देखने को नहीं मिलती और खासकर संजू के बाद से तो यहाँ पर रणबीर कपूर पूरी तरीके से गायब रहे। लेकिन जैसे कि दोस्तों अब यहाँ लगभग 3 सालों बाद यहाँ पर रणबीर कपूर की जबरदस्त फिल्में आने वाली है और जैसे कि कहा जाए तो यहाँ तो रणबीर कपूर की बैक टू बैक 4 फिल्में देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि रणबीर कपूर की आने वाली 4 फिल्में है काफ़ी दमदार भी। यहाँ जैसे कि काफ़ी जल्दी रणबीर कपूर की बड़ी फिल्म शमशेरा आने वाली है, इसमें कि हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर दिखने वाले हैं। और जैसे कि ये काफ़ी बड़ी फिल्म है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर केवल शमशेरा ही नहीं, इसके अलावा रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र जो कि एक जबरदस्त साईफाई फैंटेसी एक्शन फिल्म है, और उन जैसे कि इसके साथ यह देखने को मिलने वाली है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की एक बड़ी फिल्म जो कि एक जबरदस्त रोम कॉम फिल्म रहेगी, और उन जैसे कि उसके यहाँ इसके साथ ही देखने को मिल जाएगी रणबीर कपूर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि एनिमल। इसमें तो जहाँ एक तरफ रणबीर कपूर की आने वाली 4 फिल्में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और जैसे कि ये फिल्में बैक टू बैक आ रही है, और इसमें तो क्या आप ये एक्साइटेड रहने वाले हैं रणबीर कपूर की फिल्मों को एक बार फिर से थिएटर्स में छाते हुए देखने के लिए। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।